ये देखते हैं सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है? यदि राम किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में तथा मोहन उस काम का 2/5 भाग 10 दिनों में समाप्त करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। यानी कह रहा है राम किसी काम का 1/3 भाग बराबर 5 दिनों में, 5 दिन। सवाल नंबर 16 है, राम किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में, किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो 1 भाग यानी पूरा काम को करने में कितना समय लगेगा? तो लिख देंगे एक भाग बराबर 5/1/3, ऊपर का नीचे से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 3 × 5 = 15, यानी 15 दिन। अगर राम को पूरा काम करना पड़े तो 15 दिन लग सकता है। आगे कह रहा है, तथा मोहन उस काम को 2/5 भाग 10 दिनों में, मोहन उस काम का 2/5 भाग 5 भाग बराबर 10 दिन में, तो 1 भाग का करेगा, तो हम लिखेंगे मोहन उस काम का 1 भाग बराबर 10/2/5 हो जाएगा, ऊपर का नीचे से गुणा कर देंगे, 15 = 50, 50/2 हो जाएगा, कटा देंगे, यानी 25 दिन। मोहन उस काम को 25 दिन में करेगा। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को करेंगे। निराम कर रहा है तो 15 दिन लग रहा है पूरा काम करने में, और मोहन को पूरा काम करने में 25 दिन लग रहा है, दोनों उस काम को मिलकर करेंगे। तो दो विधि आप लोग को बताए हैं, मिलकर करना हो तो इसको मान लीजिए एक्स और इसको मान लीजिए वाई। तो देखिए एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई मिलकर करेंगे तो हो जाए, एक्स की जगह पर रख लेंगे 15 गुणा वाई की जगह पर रख लेंगे 25 बटा में 15 + 25, तो 15 × 25 = 15 और 25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40। तो कटा देंगे हम 5 से, 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 25। तो अब कर देंगे 15 × 5 = 75, बराबर में 75/8 हो जाएगा, 8 से 75 में भाग देंगे, 8 × 9 = 72, यानी 9 सही 3/8 दिन लगेगा। दोनों मिलकर करेंगे तो इतना दिन में हो जाएगा। या तो इस विधि से कर लीजिए आप, ना तो लसा विधि से कर लीजिए। राम जो कर रहा है 15 दिन में, राम का ले लो 15 दिन, और मोहन जो है मोहन का है 25 दिन, तो मोहन का 25 दिन। इन दोनों का लसा ले लीजिए, लसा लेकर कर दीजिए तो लसा जो हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, और 3 × 5 = ये है 15, 15 में 75 से भाग देंगे तो 15 × 5 = 75 और 25 × 3 = 75, 5 × 3 जोड़ देंगे 8, इस 8 को इसमें भाग देंगे तो इस तरफ भी कर देंगे तो 9 सही 3/8 इतना दिन। तो दोनों विधि आप लसा विधि से कीजिए या तो ट्रिक विधि से कीजिए, ये वाला पूरा सूत्र पर कीजिए, ये वाला रहा आपका ट्रिक विधि। दोनों विधि आप लोग को बता दिए हैं जिस तरीका से कर लीजिए। चलिए आगे सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है।
सवाल नंबर 17 देख रहे हैं, कह रहा है कि ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं, 6 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि ए अकेले उस काम को 12 दिन में, यानी ए करेगा उस काम को अकेले 12 दिन में कर देगा, ए करेगा तो अकेले 12 दिन में कर देगा, अगर बी उसी काम को अकेले करेगा तो 30 दिन लगाएगा, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा ये मालूम नहीं है। तो चलिए हम इन तीनों का लसा निकाल लेते हैं, 6 12 और 30 का लसा करेंगे तो हो जाएगा 60, और 6 का 60 में भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, यानी 10 6 60 10 बार हो जाएगा, 12 5 60 यानी 5 बार चला जाएगा, 30 2 60 2 बार चला जाएगा। अब कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को ये कह रहा है कि 6 दिन में करता है, कार्य क्षमता जो आ रहा है 10 आ रहा है, टोटल कार्य क्षमता जो आ रहा है 10 आ रहा है, 12 का यानी ए का आ रहा है 5 और बी का आ रहा है 2, तो सी का क्या आएगा, तीनों मिलकर किए हैं तो 10 आया है, तो अब बताइए ए और बी दोनों को जोड़ देंगे तो 5 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 जोड़ देंगे तो 7 नहीं हो जाएगा, 7 होगा, ये दोनों मिल दोनों का मिलाकर 7 हो रहा है और तीनों के मिलाकर 10, तो जो बच जाएगा उसी का हो जाएगा, यानी 10 में से 7 घटा देंगे, 10 में से 7 घटा देंगे तो बच जाएगा 3, ये 3 और क्षमता जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, 3 का, तो 3 से अगर इसमें हम भाग दे देंगे 60 में, इस 60 में 3 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 20 बार, यानी 20 दिन आंसर हो जाएगा, 20 दिन यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है, चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 10 दिन तक कार्य किया तथा शेष कार्य बी अकेला 42 दिनों में पूरा करता है, पूरे कार्य को ए तथा बी दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। कह रहा है कि ए किसी काम को, चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे बताते हैं, सवाल नंबर 18 जो कह रहा है, यानी ए का 80 दिन का काम बराबर 1, आगे कह रहा है कि उसने 10 दिन काम किया, 10 दिन एक काम को करने में 10 एक दिन 80 दिन लगा देता है, अगर 10 दिन काम करेगा तो ए का 10 दिन का काम बराबर हो जाएगा आपका 10/80। अब बताइए तो इसको कटा देंगे तो 10 कम 10 10/80 यानी 1/8 आ जाएगा। आगे कह रहा है कि शेष काम निकाल लेंगे तो शेष काम क्या हो जाएगा, शेष काम बराबर पूरा काम दिया है 1, एक काम में से 10 दिन काम करेगा यानी कुछ काम कर देगा तो 1/8 काम कर रहा है तो माइनस कर देंगे 1/8, इसको लसा लेकर हल कर देंगे तो हो जाएगा 7/8, 7/8 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि शेष काम जो बच रहा है वो बी कर रहा है, यानी बी का ये काम बच गया है तो बी का काम कर रहा है तो बी का काम करेंगे 7/8, कितने दिन में कर रहा है तो कह रहा है ये कि 42 दिनों में पूरा करता है, यानी बी का 7/8 काम बच गया है 42 दिनों का, तो बी निकाल देंगे तो बी इधर गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी बी बराबर 42/7/8 ऊपर का नीचे से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा बी बराबर 42×8/7, 7 कम 7 6 42,
छः का आठ में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 48, यानी 48 दिन। बी उस काम को शेष कमाओ को करके पूरा काम कर देगा तो 48 दिन लग जाएगा। अब बताइए ए 80 दिन में कर रहा है और बी का कितना आ गया 48 दिन, तो दोनों अलग अलग हो गया ना। अब दोनों को मिलाकर करना हो तो मिलाकर करने के लिए आप लोग को सूत्र बता दिए हैं एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई, इस सूत्र को कर लीजिए। तो इसको मान लीजिए एक्स, इसको मान लीजिए वाई, एक्स के जगह पर रखिए 80 और वाई के जगह पर रखिए 48, तो कर देंगे तो एक्स के जगह पर 80 गुणा वाई के जगह पर 48 और बटा में 80 प्लस 48। अब आगे करेंगे इसको तो 80 गुणा 48 बटा में 80 और 48 जोड़ देंगे 128, इसको कटा देंगे दो से, ये 40 दूनी 80 और 64 दूनी 128। अब इसको कटा देंगे 8 से, 8 से 64, 8 छक 48, फिर इसको 8 से कटा देंगे 8 कम 8, 8 पाँचे 40। अब ये बच गया 5 और 6, तो 5 छके 30, दोनों मिलकर 30 दिन में काम को कर देंगे। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 19। 19 नंबर सवाल जो है क्या कह रहा है, जल्द से जल्द नोट कीजिए आप लोग, आप तोरा कीजिए एग्जाम समय पर फोन आइल बा।